अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हमारा फिलॉसफी का फर्स्ट लेक्चर भी है और उसके साथ साथ ओरिएंटेशन सेशन भी है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको पहले थोड़ा ओरिएंटेशन दूंगा और उसके बाद जो हमारे कोर्स के पहले दो टॉपिक्स हैं फिर हम वो करेंगे। तो कोर्स अभी स्टार्ट करने के लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर, जी सबसे पहले ओरिएंटेशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई यू शुड चूज फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल। आपके पास और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, तो सबसे पहली रीजन ये है कि फिलॉसफी इज एन इजी सब्जेक्ट। ये एक इजी सब्जेक्ट है, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। दूसरी रीजन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों आपको फिलॉसफी चूज करनी चाहिए, कि इसका सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है, और बहुत इस वजह से आप इसे बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि ये बहुत हाई स्कोरिंग है। अब मेरे साथ मेरे जितने भी फ्रेंड्स ने लिया तकरीबन सबके ही 80s में स्कोर आ रहा था, और इस वजह से ये बहुत हाई स्कोरिंग है। चौथी रीज़न फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल रखने की ये है कि मेरा पर्सनली फिलॉसफी में कोई बैकग्राउंड नहीं था ये कोर्स लेने से पहले, तो मैंने अगर 89 स्कोर कर लिया तो आप लोग भी इजीली 90s में भी स्कोर कर सकते हैं। हायर स्कोरिंग देन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब नॉर्मली लोग पॉलिटिकल साइंस के साथ स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चूज करते हैं, और उसकी एक अच्छी रीज़न है, वो ये कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चूज करें तो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है वो ऑलमोस्ट सारा उसी से ही कवर हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा स्टडी नहीं करना पड़ता। लेकिन जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखते हैं उनके 40s में 50s में, ज़्यादातर 40s में ही नंबर आ रहे होते हैं, और फिलॉसफी वालों के 80s में, तो आप देखें 40 मार्क्स का डिफरेंशियल इस बात से क्रिएट हो जाता है, और ये हमारा कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है। 40 मार्क्स में आप सोचें कितने पोजीशंस, 50-60 पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। सो इस वजह से भी फिलॉसफी रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और रीज़न, छठी रीज़न ये है फिलॉसफी को एज एन ऑप्शन रखने की, कि इट ओवरलैप्स विद पोलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉब्स, उसके अलावा मुस्लिम फिलॉसफर्स में इब्ने खालदून, और भी इम्पॉर्टेंट फिलॉसफर्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के साथ, कार्ल मार्क्स हो गया, उसकी थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ये आपके ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में ये यूज़ होते हैं बल्कि सोशियोलॉजी में भी यूज़ होते हैं, तो ये इन सब्जेक्ट के साथ भी बहुत अच्छा ओवरलैप करता है। तो ये एक और रीज़न है फिलॉसफी एज एन ऑप्शन रखने की। सातवीं रीज़न ये है कि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये आपके लिए ना इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग है और यू इंजॉय स्टडीइंग इट, ठीक है, तो इस वजह से भी ये आपको रखना चाहिए। आठवीं रीज़न ये है कि इट ब्रॉडन्स योर होराइजंस, मतलब आपको बहुत डीप नॉलेज आता है आपके पास, और उस नॉलेज को आप, वो नॉलेज आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है, और आपको बहुत you get to know a lot about the world, ठीक है। नौवीं रीज़न ये है कि इट इज़ यूजफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल, फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक मैथड, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली इसमें जो हम साइंटिफिक मैथड पढ़ते हैं वो मैथड है हाउ टू हैव बेस्ट पॉसिबल ओपिनियंस यूज साइंटिफिक मैथड, तो इस तरह ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प करेगा। तो ये 9 रीजन्स हैं वाई यू शुड हैव फिलॉसफी एज एन ऑप्शनल। अच्छा, आपने अब चले कह दिया कि हम मान के हम फिलॉसफी ऑप्शनल रखते हैं, वाई यू शुड टेक इट फ्रॉम मी, उसकी वजह यह है कि आई हैव 89 मार्क्स इन फिलॉसफी इन CSS 2021, अल्लाह का शुक्र है, विच इफ दे आर नॉट द हाइएस्ट दे आर वन ऑफ द हाइएस्ट। आई स्पेंड वेरी लिटल टाइम येट एबल टू स्कोर वेरी वेल। मैंने फिलॉसफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने सबसे कम टाइम स्पेंड किया अपने बाकी 11 सब्जेक्ट्स में से, 12 टोटल सब्जेक्ट्स में से सबसे कम इसी पे किया, और फिर भी इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मैं आपको ऐसा उसी तरह पढ़ाऊंगा जिस तरह मैंने पढ़ा, ताकि आप भी बहुत कम टाइम में बहुत हाई स्कोर कर सकें, ठीक है।
उसके बाद हम इसका सिलेबस देखते हैं कि हम इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हम जो पहला ये है इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप, ये हम स्किप करेंगे। उसके बाद नंबर टू पे जो फिलोसॉफिकल मेथड्स है इसमें हम तकरीबन ये सारे करेंगे, कुछ हम स्किप करेंगे तकरीबन, बाकी हम सारे करेंगे। तीसरे नंबर पे एपिस्टेमोलॉजी में भी हम मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स करेंगे, ऑन्टोलॉजी में भी, एथिक्स में भी, मुस्लिम थिंकर्स में भी, और आखिरी कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स में भी हम तकरीबन सारे टॉपिक्स करेंगे, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट करेंगे। और इतने हम करेंगे कि आपके सात जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आपने चार करने होते हैं, तो आपको पेपर में बैठे हुए चार या पांच आपको आराम से क्वेश्चंस आते होंगे, इतना हम अच्छा कवर करेंगे सिलेबस, ठीक है। उसके बाद हमारे जो लेक्चर्स हैं दे विल बी इंटरेक्टिव विद क्वेश्चन आंसर सेशंस एंड ऑल क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी एड्रेस्ड। मेरा लेक्चर्स का यही स्टाइल है, पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और हर स्टूडेंट का क्वेश्चंस लिए जाते हैं और जब तक उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हम आगे मूव नहीं करते। उसके बाद मैं आपको अपना पेपर भी शेयर करूंगा कि हाउ आई अटेम्प्टेड और मैंने किस तरह प्रेजेंट किया, क्या मैंने टेक्निक्स यूज की पेपर अटेम्प्टिंग में जिसकी वजह से अच्छा स्कोर आया, ताकि आप भी वो टेक्निक्स यूज करके ना सिर्फ फिलोसफी में बल्कि आप बाकी भी सब्जेक्ट्स में वो टेक्निक्स यूज करके बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हर टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे उसके आपको कंसाइज नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके साथ एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी जो स्टडी करना चाहता है उसको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये कंसाइज नोट्स भी ऐसे होंगे कि अगर आप सिर्फ उनको ही स्टडी करें और जाके एग्जाम में बैठ जाएं तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स भी होंगी और उनको मैं पर्सनली इवेल्युएट करूंगा और उसके बाद आपको वॉइस नोट में उसके ऊपर फीडबैक भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद स्कोर्स के एंड में हम एक मॉक एग्जाम करेंगे और उसमें अगेन वो मैं आपका इवेल्युएट करूंगा और उसको फिर आपके उसके ऊपर आपको फीडबैक दूंगा, ठीक है। तो दिस विल बी आवर कोर्स, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोक्रेटिक मेथड। देखिए हमने सिलेबस में देखा कि नंबर वन के ऊपर था कि डेफिनेशन नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी, वो वाला हमने स्किप किया। नंबर टू के ऊपर है फिलोसॉफिकल मेथड्स और उनमें सबसे पहले आता है फिलोसॉफिकल मेथड्स में सोक्रेटिक मेथड, तो अभी हम उसको स्टडी करेंगे। क्वेश्चन यही आता है नॉर्मली शॉर्ट नोट सोक्रेटिक मेथड, ये 10 मार्क्स का भी आ सकता है, ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। तो हम ऐसा कवर करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाए। अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं सोक्रेटिक मेथड की बात हुई, ये होता क्या है सोक्रेटिक मेथड, व्हाट इज सोक्रेटिक मेथड। तो इसी तरह आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे आप पहले नंबर वन हेडिंग बनाएंगे डेफिनेशन और उसके नीचे आप ये लाइनें लिखेंगे जो अभी हम करेंगे। द मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयड बाय सोक्रेटिस consisting of a series of questionings. ये मतलब ये जो method था it was used by Socrates as the name suggests. और ये method था एक inquiry का, मतलब वो जब कुछ knowledge हासिल करना चाहता था या कोई truth वो जानना चाहता था तो वो ये method use करता था, या अगर वो instruct करना चाहता था अपने students को तब भी वो ये method use करता था। और consisting of a series of questionings, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते थे इस मेथड में, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू इलिसिट अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग सपोज टू बी इम्प्लिसिटली नोन बाय ऑल रैशनल बीइंग्स। मतलब इसका मकसद क्या था, वो क्यों ये करता था, वो ये करता था इसलिए टू इलिसिट अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट एक्सप्रेशन, कि जो भी वो बात वो कन्वे करना चाहता था इंस्ट्रक्शन या कोई वो नॉलेज गेन करना चाहता था वो क्लियरली और कंसिस्टेंटली उसको एक्सप्रेस करे। और अक्सर वो बात इम्प्लिसिटली लोगों को पता होती थी लेकिन वो उसको एक्सप्लिसिट करके फिर उसको कंसिस्टेंट लॉजिकली कंसिस्टेंट भी बनाता था, तो इस वजह से वो ज़्यादा एक बेटर ट्रूथ के ऊपर रीच करने के लिए ये मेथड यूज़ करता था, ठीक है। तो ये आप इसी तरह एग्जाम में इसकी डेफिनेशन के नीचे ये 2-3 लाइनें लिख देंगे। उसके बाद नंबर टू के ऊपर आता है कि फीचर्स ऑफ सोक्रेटिक मेथड, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोक्रेटिक मेथड। आप इसी तरह नंबर टू पे रोमन लेटर्स में ही ब्लू मार्कर के साथ हेडिंग बनाएंगे फीचर्स ऑफ सोक्रेटिक मेथड। उसके बाद
एक पॉइंट लिखेंगे, ये आप ब्लैक पॉइंटर से ये सब हेडिंग बना दें तो आपका ज्यादा एक प्रेजेंटेबल लगेगा, ठीक है। और इसमें आप लिखेंगे आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस टू मेक एक्सप्लिसिट द कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है। अब पहला सोक्रेटिक मेथड की फीचर ये है कि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे टू मेक एक्सप्लिसिट द कॉन्ट्रडिक्शंस। सोक्रेटिस टॉट स्टूडेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन, वो इस तरह लोगों से इस तरह अपने स्टूडेंट्स को टीच करता था कि वन क्वेश्चन आफ्टर अनदर वो करता था। वो हम आगे देखेंगे कि वो किस तरह करता था। ही सॉट टू एक्सपोज कॉन्ट्रडिक्शंस इन द स्टूडेंट्स थॉट्स एंड आइडियाज टू देन गाइड देम टू सॉलिड जस्टिफाइबल कंक्लूजन्स। वो अपने स्टूडेंट्स के थॉट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस जो होती थी उनको वो एक्सपोज करता था ताकि वो उन्हें गाइड कर सके ज्यादा सॉलिड और जस्टिफाइबल कंक्लूजन्स की तरफ, ठीक है। ये हम देखेंगे उसके जब हम स्टेप्स आगे देखेंगे सोक्रेटिक मेथड के, तब आपको ये क्लियर होगा कि वो कैसे ये करता था। द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द सोक्रेटिक मेथड इज दैट स्टूडेंट्स लर्न थ्रू द यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजन। वो क्यों ये यूज करता था सोक्रेटिक मेथड, वो उसे बात बता के ही कुड हैव मूव्ड ऑन कि ये ऐसे है, बस वो इस वजह से इस तरह क्वेश्चंस करता था और ज्यादा वो लॉजिकली कंसिस्टेंट बातों के ऊपर पहुंचना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि सबसे अच्छी जो आपकी लर्निंग होती है ना वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग और रीजन के थ्रू। इस वजह से वो इस तरह अपने स्टूडेंट्स को टीच करना चाहता था, ठीक है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स फाइंडिंग होल्स इन देयर ओन थ्योरीज एंड देन पैचिंग देम अप, ठीक है। ये टेक्निक ऐसा होता था कि इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग होल्स इन देयर थ्योरीज, जो उसके स्टूडेंट्स कोई बात करते थे वो उनमें होल्स कोई होते वो निकालता था कि इसमें ये कमी है इसमें ये कमी है, ठीक है। और फिर वो उनको ज्यादा पैचअप करता था कि वो बात उनकी सही हो, सही बात पे वो पहुंचे, ठीक है। इसी तरह आप इसका फिर नंबर बी पॉइंट ब्लैक पॉइंटर से आप बनाएंगे, ठीक है, कि अ मेथड ऑफ हाइपोथेसिस एलिमिनेशन। ये एक हाइपोथेसिस एलिमिनेशन का मेथड है। इट इज अ मेथड ऑफ हाइपोथेसिस एलिमिनेशन इन दैट बेटर बेटर हाइपोथेसिस आर फाउंड बाय स्टेडली आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग दोज दैट लीड टू कॉन्ट्रडिक्शंस। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जैसे हमने पहले बात की कि जो ऐसी बातें होती थी जिनमें होल्स होते थे, ठीक है, दे वर लैकिंग इन सम एस्पेक्ट, वो एलिमिनेट हो जाती थी या वो हाइपोथेसिस उस बात किसी बात को आप हाइपोथेसिस कह सकते हैं, ठीक है, वो वाली बातें एलिमिनेट हो जाती थी और उनके जगह पे एक बेटर बात आ जाती थी। वो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बात उसने स्टूडेंट ने की है, वो कहता था इसमें ये मसला है इसमें ये मसला है, वो फिर कहता था स्टूडेंट उसको पूछता था क्या ये बात सही है, उसका मतलब थोड़ा रिफाइंड वर्जन, तो इस तरह वो कहता था नहीं नहीं इसमें भी अब ये मसला है, ठीक है। फिर वो कोई और उसका ज्यादा एक बेटर वर्जन उस बात के बेटर वर्जन से वो सामने आते थे और जब वो सेटिस्फाई होते थे कि अब हाँ ये बात अब साउंड लग रही है तब वो वहां पे रुक जाते थे, और जो पुरानी बातें हैं वो या पुरानी हाइपोथेसिस वो एलिमिनेट हो जाती थी। तो इस तरह सोक्रेटिक मेथड ये एक हाइपोथेसिस एलिमिनेशन का मेथड है, ठीक है। जो पुरानी हाइपोथेसिस होती थी विच लेड टू कॉन्ट्रडिक्शंस वो एलिमिनेट हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर सी के ऊपर के स्टेप्स ऑफ सोक्रेटिक मेथड। ये वाली भी आप हेडिंग उसके साथ बनाएंगे ब्लैक पॉइंटर के साथ, और उसके नीचे ये आप ब्लू पेन के साथ यूनिबॉल विजन एलीट के ब्लू पेन के साथ आप ये सारी नीचे जो हमने बातें की हुई हैं ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? सोक्रेटिक मेथड हैज द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है स्टेटिंग द हाइपोथेसिस, मतलब कोई भी बात है ना आप उसको स्टेट कर रहे हैं आप, तो या वो सोक्रेटिस खुद करता था या उसका कोई फ्रेंड या कोई स्टूडेंट कोई बात करता था, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शंस तो तभी निकलेगी ना जब कोई बात सामने आएगी, ठीक है। स्टेटिंग द हाइपोथेसिस, सोक्रेटिस कन्वर्सेशनल पार्टनर अजर्ट्स अ क्लेम। फॉर एग्जाम्पल उसका जो कन्वर्सेशनल पार्टनर है वो कोई बात करता था या कोई क्लेम अजर्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल करेज इज इंड्योरेंस ऑफ द सोल, कि करेज जो है जो बहादुरी है ये सोल की इंड्योरेंस का नाम है, ठीक है। अब
अब सोक्रेटिस के कन्वर्सेशनल पार्टनर ने ये बात कर दी, ठीक है, सोक्रेटिस डिसाइड्स वेदर द क्लेम इज फॉल्स एंड टारगेट्स फॉर रेफ्यूटेशन। अब वो ये सोक्रेटिस फैसला करता था कि जो इसने बात की है क्या ये सही है या गलत, और वो उसको रिफ्यूट करने की कोशिश, अगर उसे लगता था कि ये इसमें थोड़ा कमी है, ये फॉल्स है, तो वो उसको फिर रिफ्यूट करने की कोशिश करता था। तो पहला स्टेप ये हो गया, स्टेटिंग द हाइपोथेसिस या कोई बात करना, असर्टिंग अ क्लेम, ठीक है, जनरेटिंग फर्दर प्रेमिसेस। अब वो नेक्स्ट क्या करता था, फर्दर प्रेमिसेस मतलब उस बात से जो और बातें निकलती हैं, या उस बात के अंदर जो बातें छुपी होती हैं, वो उनको जो है वो करता था, जाहिर करता था। देखते हैं कैसे। सोक्रेटिस सिक्योर्स हिज इंटरलोक्यूटर्स अग्रीमेंट, इंटरलोक्यूटर यानी उसका कन्वर्सेशनल पार्टनर, उसकी अग्रीमेंट टू फर्दर प्रेमिसेस, मजीद प्रेमिसेस यानी मजीद बातों की तरफ, उस बात से जो और बातें निकले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, करेज इज अ फाइन थिंग। वो अब देखिए, ओरिजिनल सेंटेंस था जो पहले ऊपर बोल्ड में लिखा हुआ है, करेज इज इंड्योरेंस ऑफ द सोल। अब उससे फर्दर प्रेमिस ये निकली, उसने कहा कि करेज इज अ फाइन थिंग, सोक्रेटिस ने कहा कि करेज इज अ फाइन थिंग एंड इग्नोरेंट इंड्योरेंस इज नॉट अ फाइन थिंग। उसने कहा कि आपने करेज की बात की है और आपने इंड्योरेंस की बात की है, ठीक है, लेकिन करेज जो है, करेज तो एक फाइन थिंग है, ये तो एक अच्छी चीज है, लेकिन इग्नोरेंट इंड्योरेंस इज नॉट अ फाइन थिंग। इग्नोरेंट इंड्योरेंस तो अच्छी चीज नहीं है कि आप किसी गलत काम के पीछे अगर आप इंड्योर करते जाएं, उसी के ऊपर आप साबित कदमी से उसके ऊपर आप चलते जाएं। फॉर एग्जांपल, कोई अगर ड्रग्स करता है, तो अगर वो ड्रग्स में इंड्योर करता रहे, उन ड्रग्स करने के ऊपर साबित कदम रहे, तो इंड्योरेंस तो ये है, लेकिन ये इग्नोरेंट इंड्योरेंस है, और ये इग्नोरेंट इंड्योरेंस इज नॉट अ फाइन थिंग, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, जबकि करेज तो एक अच्छी बात है। इस तरह उसने उस बात से मजीद बातें निकलवाई, फर्दर प्रेमिसेस जनरेट किए, ठीक है। उसके बाद मेकिंग एक्सप्लिसिट द कॉन्ट्रडिक्शन। फिर इन प्रेमिसेस में जो कॉन्ट्रडिक्शन थी, जो इन बातों में तजाद था, उसने उन बातों, उन कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सप्लिसिट किया, वाजे किया। कैसे, सोक्रेटिस देन आर्ग्यूज एंड द इंटरलोक्यूटर अग्रीज, दीज फर्दर प्रेमिसेस इम्प्लाई द कॉन्ट्रेरी ऑफ द ओरिजिनल थीसिस। सोक्रेटिस ये आर्ग्यू करता था और उसका जो कन्वर्सेशनल पार्टनर या इंटरलोक्यूटर, वो भी इस बात पे एग्री करते थे कि ये तो जो प्रेमिसेस हैं कि करेज इज अ फाइन थिंग एंड इंड्योरेंट इंड्योरेंस इज नॉट अ फाइन थिंग, ये तो असल जो बात हमने की थी कि करेज इज इंड्योरेंस ऑफ द सोल, ये तो उसकी नफी है, ये तो उसकी निगेशन है, ठीक है, ये तो उसके कॉन्ट्रेरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये इस बात की तरफ हमें लेके जाता है कि करेज इज नॉट इंड्योरेंस ऑफ द सोल, और उसका जो कन्वर्सेशनल पार्टनर होता था वो भी मान जाता था कि भाई बिल्कुल मैं गलत था, करेज इज नॉट इंड्योरेंस ऑफ द सोल, ये बात सही है। हाइपोथेसिस सक्सेसफुली डिसप्रूवन। अब देखिए, जो बात थी करेज इज इंड्योरेंस ऑफ द सोल, इसको कैसे उसने डिसप्रूव कर दिया कि करेज इज अ फाइन थिंग और इग्नोरेंट इंड्योरेंस इज नॉट अ फाइन थिंग, देयरफॉर करेज इज नॉट इंड्योरेंस ऑफ द सोल, इस तरह उसने डिसप्रूव कर दिया। सोक्रेटिस देन क्लेम्स ही हैज शोन हिज इंटरलोक्यूटर्स थीसिस, या उसके कन्वर्सेशनल पार्टनर की जो बात है, इज फॉल्स एंड इट्स निगेशन इज ट्रू। उसकी निगेशन क्या है, करेज इज नॉट इंड्योरेंस ऑफ द सोल, ठीक है, ये बात सच है अब कि करेज इज नॉट इंड्योरेंस ऑफ द सोल, ओरिजिनल बात की जो निगेशन है वो अब सच है, ठीक है। अ मोर रिफाइंड हाइपोथेसिस इज नाउ एग्जामिन्ड एंड द प्रोसेस रिपीटेड। अब एक उस बात से कोई बेहतर बात अब सामने आएगी और अब ये उसको एग्जामिन करेगा सोक्रेटिस, और इसी तरह ये प्रोसेस फिर रिपीट होगा। One such examination can lead to a new, more refined examination of the concept being considered. In this case, it invites an examination of the claim, courage is wise endurance of the soul. देखिए, अब उस बात से ये एक बेहतर बात के ऊपर आ गया कि courage is wise endurance of the soul. मतलब पहले तो इन्होंने कहा था कि courage is endurance of the soul. फिर इन्होंने जाहिर किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, करेज इज नॉट इंड्योरेंस ऑफ द सोल। फिर ये एक बेहतर बात के ऊपर आए कि करेज इज वाइज इंड्योरेंस ऑफ द सोल, क्योंकि इन्हें पता है कि इग्नोरेंट इंड्योरेंस वो नहीं हो सकती, तो क्या करेज वाइज इंड्योरेंस है।
अब इस बात को ये फिर दोबारा उसी तरह एग्जामिन करेंगे, इसमें फर्दर प्रेमिसेस जनरेट करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शंस रिवील करेंगे, और अगर ये टेस्ट स्टैंड करेगी तो फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज ट्रू, अदरवाइज फर्दर फिर और इसी तरह बातें मोर एंड मोर रिफाइंड ट्रुथ की तरफ ये जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये है सोक्रेटिक मेथड्स के, ये उसके स्टेप्स हैं। इसमें आपको जो भी अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, आप आराम से उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट सोक्रेटिक इंक्वायरीज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस एंड टिपिकली एंड इन पजलमेंट नोन एज एपोरिया। ज्यादातर जो इस तरह की होती हैं सोक्रेटिक इंक्वायरीज, दे कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस, मतलब हमने तो देखे ऊपर इसके स्टेप्स में सिर्फ एक एग्जामिनेशन देखा कि करेज इज एंड्योरेंस ऑफ द सोल, सिर्फ इस बात का हमने एग्जामिनेशन देखा। हमने आगे जो लास्ट में जिस बात के ऊपर पहुंचे थे कि करेज इज वाइज एंड्योरेंस ऑफ द सोल, आगे फिर हमने इसका एग्जामिनेशन नहीं देखा क्योंकि हमें बस क्वेश्चन के लिए इतना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन आमतौर पर सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन होता है, मतलब जैसे जो लास्ट में बात सामने आई थी अब इसको भी एग्जामिन करेंगे, फिर वहां से जो बात मजीद बेहतर एक बात आएगी फिर उसको एग्जामिन करेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस एंड टिपिकली एंड इन पजलमेंट नोन एज एपोरिया। और आमतौर पे ये इस तरह सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन के बाद ये फॉर एग्जाम्पल इस केस में इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकते हैं कि वी डोंट नो व्हाट करेज इज, ठीक है हमें नहीं पता कि वो करेज क्या है। तो इस तरह की जो पजलमेंट स्टेज ये रीच करते हैं उसको एपोरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये भी उसका सोक्रेटिक मेथड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी आप लिखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमने इसके अब ये तो डिस्कस कर लिए कि फीचर्स ऑफ सोक्रेटिक मेथड क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कंटेम्पोरेरी रेलिवेंस क्या है। उसी तरह आप इसकी भी एक हेडिंग बनाएंगे कंटेम्पोरेरी रेलिवेंस की, क्योंकि एग्जामिनर ये भी देखना चाहता है कि क्या इस बंदे को कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि वो करंट सिचुएशन में मौजूदा हालात में भी इसको अप्लाई कर सकता है या सिर्फ किताबी बातें इसको पता है। तो अगर आप ये ऐड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा इंशाल्लाह। नंबर ए, द मेथड इज स्टिल पॉपुलर इन लीगल क्लासरूम्स टुडे। ये आज भी ये मेथड देखें 2000 साल से भी ज्यादा पुराना ये मेथड है और ये आज भी यूज हो रहा है लीगल क्लासरूम्स में, आपके यूज होता है USA में, यूरोप में, पाकिस्तान में, पूरी वर्ल्ड में लीगल क्लासरूम्स में ये मेथड यूज होता है, ताकि जो लॉयर्स, जो फ्यूचर लॉयर्स होंगे या फ्यूचर जजेस होंगे उनको ये ट्रेन किया जाए कि उनकी बात एवी ना हो। ठीक है, उस वो जरा सॉलिड जस्टिफाइबल बात हो और उसको उनको एग्जामिन करना सिखाया जाता है जैसे सोक्रेटिक मेथड में है। तो इस तरह ये किसकी कंटेम्पररी रेलिवेंस है। दूसरी इसकी कंटेम्पररी रेलिवेंस ये है कि फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज बाय मेहती हसन इन डिबेट्स, फॉर एग्जाम्पल हिज डिबेट विद रिचर्ड डॉकिंस आप देख सकते हैं अल जजीरा के ऊपर मौजूद है। तो वो भी ऐसे करता है, वो फॉर एग्जाम्पल रिचर्ड डॉकिंस है, रिचर्ड डॉकिंस कहेगा कि मैं ये समझता हूँ, एक बात करेगा फॉर एग्जाम्पल कि ये बात ट्रू है, तो मेहती हसन उसके रिस्पॉन्स उसे कहेगा कि अगर ये बात ट्रू है फिर इसका मतलब तो ये भी ऐसे है, फिर इसका मतलब कि ये बात भी फिर ऐसे है। वो फिर रिचर्ड डॉकिंस कहेगा हाँ बिल्कुल ऐसे, वो कहेगा फिर ये जो हमने नई बातें इस बात से निकाली हैं ये दो इनमें तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो फर्दर प्रेमिसेस हमने जनरेट किए हैं इनमें तो कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर वो एग्री कर जाएगा रिचर्ड डॉकिंस कि यस आई कंसीड दिस पॉइंट, इसमें फ्लॉ है, और वो एक बेटर पॉइंट की तरफ जा सकते हैं जिस तरह हमने सोक्रेटिक मेथड के स्टेप्स में देखा। ठीक है, तो ये भी इसकी कंटेम्पररी रेलिवेंस है और ये आप इसका मैं सजेस्ट करूंगा कि मेहती हसन का इंटरव्यू आप देखें रिचर्ड डॉकिंस के साथ अल जजीरा के ऊपर, और यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है बहुत इजीली, और आपको बिल्कुल क्लियरली पता लगेगा कि कैसे सोक्रेटिक मेथड उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जी इसकी कंटेम्पररी रेलिवेंस है। अब इसके ऊपर आपके जो क्वेश्चन है वो काइंडली आप पूछें और क्वेश्चन आंसर सेशन अब करते हैं। एक सेकंड मुझे देना। वालेकुम सलाम सर, एपोरिया में कुछ बताया था आपने, काइंडली इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। जी, एपोरिया का मतलब ये है कि जब ये सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस होगी ना सोक्रेटिक मेथड के, ठीक है, और उस सीरीज ऑफ एग्जामिनेशंस के बाद
ये हो सकता है कि किसी भी ऐसी बात के ऊपर ना पहुंच सके जिस बात जो बात सॉलिड हो, जस्टिफाइबल हो, तो अक्सर ये नहीं पहुंच सकते थे उस बात के ऊपर, और उस स्टेज को ये अपोरिया कहते थे कि इट हैज रिजल्टेड इन अपोरिया. फॉर एग्जाम्पल सोक्रेटिक मेथड में हमने करेजिस एंड्योरेंस ऑफ द सोल की एग्जाम्पल देखी, ठीक है. अब देखिए वो स्टेप्स के बाद जाने के बाद इस बात के ऊपर पहुंचे कि करेजिस वाइज एंड्योरेंस ऑफ द सोल, ठीक है. अब इसको वो दोबारा एग्जामिन करेंगे, फिर हो सकता है कि वो इस बात के ऊपर पहुंचे कि करेजिस ट्रू, करेजिस ट्रू एंड्योरेंस ऑफ द सोल. हो सकता है वो इस बात के ऊपर पहुंचे एग्जामिनेशन करने के बाद कि करेजिस नॉट वाइज एंड्योरेंस ऑफ द सोल, ट्रू एंड्योरेंस ऑफ द सोल, फिर इस बात को वो एग्जामिन करेंगे. और अगर ये बात भी गलत साबित हो गई तो इस तरह सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन के बाद वो कह देंगे कि वी डोंट नो व्हाट करेज इज, हमें नहीं पता कि करेज क्या है. ये जो स्टेज है ना इसको अपोरिया कहते हैं, पजलमेंट, अपोरिया. से इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हाइपोथेसिस उन्होंने लिया था वो उसको एज इट इज उन्होंने अप्रोच नहीं किया, जब उसको अप्रोच नहीं करेंगे तो उसको एपोरिया कह देंगे। बिल्कुल, जब वो हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया अगला भी हाइपोथेसिस गलत साबित हो गया और वो उसको उन्होंने अप्रूव नहीं किया, उसको हम एपोरिया कहेंगे फिर. तो सर फिर ये इसका एक तरह फ्लॉ नहीं आ रहा सोक्रेटिक मेथड का कि जो वो खुद वो हाइपोथेसिस ले रहे हैं उसी को ही प्रूव नहीं कर पा रहे, एट द एंड तो उन्होंने इसको एपोरिया का नाम दे दिया ना। नहीं वो मतलब खुद उन्होंने नहीं कहा कि ये बात सच है, सोक्रेटिस के किसी कोई फ्रेंड ये कह सकता है, कोई उसका स्टूडेंट ये कह सकता है, उसका फ्लॉ नहीं है. मतलब वो एक बात के अगर वो उन्हें पता लग जाता है कि हमें इस बात का नहीं पता तो वो सिंपली कह देते हैं कि वी डोंट नो, ठीक है, वी आर पजल्ड अबाउट दिस, रादर देन प्रिटेंडिंग दैट दे नो. तो ये तो इसकी एक स्ट्रेंथ है. ओके सर। थैंक यू. आप लोग काइंडली हैंड रेस करते जाएं और बारी बारी फिर हम सबको क्वेश्चन देते जाएंगे. आप लोग काइंडली हैंड रेस करते जाएं और हम क्वेश्चंस भी लेते जाएंगे. सोक्रेटिक मेथड के ऊपर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है तो काइंडली आप हैंड रेस कर दें, मैं फिर आपको अनम्यूट करके और फिर मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा. अगर आपका कोई इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है फर्दर तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव फॉरवर्ड करते हैं. इसका मतलब आपको अच्छा ये समझ आ गया. ठीक है जी, आई डोंट सी एनी रेस्ड हैंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. अच्छा, हमने सोक्रेटिक मेथड देख लिया, अब हम चलते हैं उसके बाद जो हमारे टॉपिक्स हैं, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड कंपैरिजन. सबसे पहले हम इसके ऊपर, हमारा जनरली आगे भी इसी तरह एक ट्रेंड रहेगा लेक्चर्स का कि सबसे पहले जो भी हम टॉपिक देखेंगे उसके ऊपर पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वो देखेंगे ताकि हम डायरेक्ट टारगेटेड स्टडी कर सकें बजाय इसके कि इधर उधर हम जाएं, ठीक है. तो इसके ऊपर इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड के ऊपर जो पास्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ये हैं. पहला, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स. उसके बाद वर्कआउट द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ डिडक्टिव मेथड, ठीक है. तो ये हम आगे दोनों इन क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा. सबसे पहले आप भी इसी तरह हेडिंग दीजिएगा रोमन में और ब्लू मार्कर के साथ कि व्हाट इज इंडक्टिव मेथड. नंबर ए, उसकी डेफिनेशन, मेथड कंटेनिंग आर्गुमेंट्स दैट एस्टेब्लिश द ट्रुथ ऑफ द कंक्लूजन एज प्रोबेबली ट्रू. कि मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो आर्गुमेंट्स होती हैं उनका जो ट्रुथ है दैट इज प्रोबेबली ट्रू, नॉट सर्टनली ट्रू, ठीक है. जो आगे हम डिडक्टिव मेथड देखेंगे उसमें इट इज सर्टेनली ट्रू,
लेकिन इंडक्टिव मेथड में प्रोबेबली ट्रू, ये भी आपको क्लियर होगा जैसे हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। इंडक्टिव आर्गुमेंट्स कैन रेंज इन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई बट ऑलवेज लेस देन 100%, मतलब उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम भी हो सकती है उनका ट्रू होना, ठीक है, और उनका ट्रू होना बहुत हाई भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कैन बी वेरी हाई, लेकिन हमेशा 100% से नीचे ही होगी, ठीक है, कुछ भी हो जाए। तो ये भी इनका एक सेलियंट फीचर है इंडक्टिव मेथड का, ठीक है। थर्डली इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉटम अप मेथड, ठीक है, इसको हम बॉटम अप मेथड कहते हैं, जो आगे हम डिडक्टिव मेथड देखेंगे उसको टॉप डाउन लॉजिक कहते हैं और इसको बॉटम अप मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इसकी एक सेलियंट फीचर है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल देखें, आई हैव सीन मैनी पर्सन्स हु वर्क हार्ड बीइंग एबल टू क्लियर सीएसएस, मतलब मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मेहनत करते हैं और वो सीएसएस पास कर जाते हैं, ठीक है। और सो आई कंक्लूड दैट ऑल पर्सन्स हु वर्क हार्ड आर लाइकली टू क्लियर सीएसएस, लिहाजा मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि जो भी सीएसएस में मेहनत करेगा वो सीएसएस पास कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पास में भी देखा है कि जो लोग मेहनत करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मेहनत करते हैं वो सीएसएस क्लियर कर जाते हैं, लिहाजा फ्यूचर में जो भी मेहनत करेगा वो सीएसएस क्लियर कर जाएगा। ये इंडक्टिव मेथड की एक एग्जाम्पल है। अब ऊपर वाली बातें दोबारा देखते हैं ताकि आपको ये एग्जाम्पल से अब क्लियर हो चीज। देखिए इसकी डेफिनेशन में, मेथड कंटेनिंग आर्गुमेंट्स दैट एस्टैब्लिश द ट्रुथ ऑफ कंक्लूजन एज प्रोबेबली ट्रू। अब देखिए इसमें आर्गुमेंट यही थी कि आई हैव सीन मैनी पीपल हु वर्क हार्ड बीइंग एबल टू क्लियर सीएसएस, ये आर्गुमेंट थी इस मेथड में, ये हमारी एक आर्गुमेंट है। दैट एस्टैब्लिश द ट्रुथ ऑफ कंक्लूजन एज प्रोबेबली ट्रू। देखें अब आगे हमारे पास कंक्लूजन आया, एग्जाम्पल में देखें, सो आई कंक्लूड that all persons who work hard, ठीक है, जो भी लोग मेहनत करेंगे, are likely, likely is the keyword here, are likely to clear CSS, मतलब उनकी probability high है, it is probably true that they will clear CSS. तो देखिए definition के first point में भी हमने यही देखा था, that establish the truth of conclusion as probably true, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा inductive method है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज डिडक्टिव मेथड, बट क्या डिडक्टिव मेथड क्या चीज है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, अ मेथड ऑफ रीजनिंग बाय विच कॉन्सिक्वेंसेस आर डिड्यूस्ड फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल्स, कि जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वहां से हम कॉन्सिक्वेंसेस डिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पहली सेलियंट फीचर है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जनरल बात हो सकती है कि जैसे हम आगे एग्जाम्पल ही देखेंगे कि ऑल मैन आर मोर्टल, ये देखिए एक जनरल बात है कि ऑल मैन आर मोर्टल, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर बात नहीं है कि कोई एक इंसान मोर्टल होने की बात नहीं हो रही, ऑल मैन आर मोर्टल जनरल बात। सोक्रेटिस इज अ मैन, ये भी एक जनरल बात कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और कॉन्सिक्वेंसेज आर डिड्यूस फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल, आप देखें तो ये दो जनरल प्रिंसिपल हमारे पास आए, वहां से हमने तीसरी बात जो है एग्जाम्पल में ये कॉन्सिक्वेंस रिड्यूस किया, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल, लिहाजा सोक्रेटिस मोर्टल है, ठीक है। तो ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल, दो हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स थे, वहां से हमने कॉन्सिक्वेंस रिड्यूस किया दैट सोक्रेटिस इज मोर्टल, ठीक है। तो डिडक्टिव मेथड में हमें जनरल प्रिंसिपल्स गिवन होते हैं और वहां से हम कॉन्सिक्वेंसेस डिड्यूस करते हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग इज इनफॉर्मली टॉप डाउन लॉजिक, ये जैसे फनल होती है टॉप डाउन, ये उस तरह एक टॉप डाउन लॉजिक कहते हैं, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल से हम एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस के ऊपर जाते हैं, पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, तो इस वजह से इसे टॉप डाउन लॉजिक कहते हैं। जो हमने पहले इंडक्टिव मेथड देखा था उसे बॉटम अप लॉजिक या बॉटम अप अप्रोच कहते हैं, क्योंकि वो इसका बिल्कुल अपोजिट है, उसमें हम फ्रॉम पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस टू एक जनरल प्रिंसिपल हम जाते हैं, ठीक है। इसमें हम जनरल प्रिंसिपल से पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ आते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है, इस वजह से इसे टॉप डाउन लॉजिक कहते हैं।
इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर स्टेटमेंट्स या प्रेमिसेस भी उनको कह सकते हैं. एक या दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन होती हैं, जैसे इसमें हमें एग्जांपल में गिवन है ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन. ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम वन और मोर स्टेटमेंट्स टू रीच अ लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन. ठीक है, और तीसरा जो हमने इसमें देखा कॉन्सिक्वेंस या कंक्लूजन, वो लॉजिकली सर्टेन है रादर देन प्रोबेबल, जैसे इंडक्टिव मेथड में था प्रोबेबल. ठीक है, लाइकली इस तरह की इसमें है, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मोर्टल, ये सर्टेन है बात. ठीक है, तो ये है डिडक्टिव मेथड. अब आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ डिडक्टिव मेथड. अब देखिए हमारे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो नंबर टू के ऊपर तो सीधा सीधा यही क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्क आउट द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द डिडक्टिव मेथड, वो तो ये हो गया. ठीक है, लेकिन जो पहला भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, जो हम अभी देखेंगे डिडक्टिव मेथड की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, तो उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं डिडक्टिव मेथड की वो इंडक्टिव मेथड की वीकनेसेस हैं.
अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ठीक है, अब हम रिकनेक्ट हो गए हैं, अब मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। सो हम अपना टॉपिक वहीं से रिज्यूम करते हैं वेयर वी लेफ्ट ऑफ। जी, तो हम ये बात कर रहे थे, गुडमैन्स रिडल की हम बात कर रहे थे कि जो ग्रू है सब्सटेंस बिफोर टाइम टी या बिफोर 2021, इसका कलर है ग्रीन, बट आफ्टर टाइम टी या आफ्टर 2021 इसका कलर हो जाता है ब्लू। ठीक है, तो अब देखें, इंडक्टिव मेथड ने दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें प्रोड्यूस कर दी, जो हम इसमें पॉइंट नंबर 4 है। ठीक है, ये देखें, जो ये सेकंड प्रॉपर्टी बताता है कि 2021 के बाद ग्रू का कलर, अच्छा पीछे से, ठीक है मैं ये सारा के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये पॉइंट है, ये तीसरी स्ट्रेंथ है डिडक्टिव मेथड की, कि अनलाइक डिडक्शन हुज कंक्लूजंस कैन नॉट बी फ्लॉड और कॉन्ट्रडिक्टरी, गुडमैन्स रिडल रिमाइंड्स अस दैट इंडक्टिव एविडेंस कैन बी फ्लॉड और कॉन्ट्रडिक्टरी। ठीक है, जो कि जैसा कि डिडक्शन कहता था, डिडक्शन में फ्लॉड और कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होता हमारे जो कंक्लूजन हैं, जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे जो कंक्लूजन हैं दे कैन बी फ्लॉड एंड कॉन्ट्रडिक्टरी, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं वो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन में हो। ये हम देखेंगे आगे गुडमैन्स रिडल में कि कैसे ये होता है। ठीक है, इट कैन मेक यू थिंक दैट यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर व्हेन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट। ठीक है, कि हमें ये बिलीव करवा सकती है कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जबकि आप असल में नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नेल्सन गुडमैन कन्फ्रंटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडक्शन यूजिंग अ थॉट एक्सपेरिमेंट अबाउट अ हाइपोथेटिकल सब्सटेंस कॉल्ड ग्लू। नेल्सन गुडमैन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया और उसने कहा कि एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है ग्रू, आप एज्यूम करें कि ग्रू एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कैंडल वैक्स की वो बात कर रहा है, ठीक है, मोमबत्ती का जो वैक्स है उसकी वो बात कर रहा है और उसको वो ग्रू कह रहा है। ठीक है, ये आपने इमेजिन कर लिया। अब ग्रू इज एनीथिंग या कैंडल वैक्स इज एनीथिंग विच हैज ग्रीन कलर बिफोर अ सर्टेन टाइम कॉल्ड टी। एक सर्टेन टाइम टी, फॉर एग्जाम्पल 2021, उससे पहले पहले उसका कलर जो है वो ग्रीन है। ठीक है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। अब इंडक्टिव मेथड में क्या कहेगा, वो कहता है कि जैसे पास्ट था फ्यूचर भी वैसे होगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि जिन लोगों ने मेहनत की और वो हमने देखा कि कुछ लोग उन्होंने सीएसएस में मेहनत की और वो सीएसएस क्लियर कर गया, लिहाजा हम इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे कि फ्यूचर में जो भी मेहनत करेगा इज लाइकली टू क्लियर सीएसएस। अब देखें, ये पास्ट को यूज कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मेहनत की फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करने के लिए कि फ्यूचर में भी जो मेहनत करेगा वो सीएसएस क्लियर कर जाएगा, लाइकली टू क्लियर सीएसएस। तो इंडक्टिव मेथड ये कहता है, तो इस केस में भी, ग्रू के केस में या कैंडल वैक्स के केस में भी वो ये कहेगा कि क्योंकि इसका 2021 से भी पहले इसका कलर ग्रीन था तो 2021 के बाद भी इसका कलर ग्रीन रहेगा। ठीक है, सिंपल इंडक्टिव मेथड। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आती है, वो ऐसे आती है कि जो जब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रू इज दैट व्हाइल इट इज ग्रीन बिफोर टाइम टी, जबकि ये टाइम टी से पहले ग्रीन है, इट इज ब्लू आफ्टर टाइम टी, टाइम टी के बाद ये ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो अब तो इंडक्टिव मेथड कहेगा कि क्योंकि ये टाइम टी के बाद इसकी प्रॉपर्टी है ब्लू होना, देयरफॉर इट विल बी ब्लू आफ्टर टाइम टी या आफ्टर 2021 इट विल बी ब्लू। अब देखें, पिछली प्रॉपर्टी की वजह से इंडक्टिव मेथड कह रहा था कि इट विल बी ग्रीन क्योंकि ये पहले भी ग्रीन था, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से कह रहा है कि इट विल बी ब्लू क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी है कि 2021 के बाद इट विल चेंज द कलर टू ब्लू। ठीक है, तो देखें, अब असल में या तो वो ग्रीन रह सकता है या वो ब्लू रह सकता है, लेकिन दो इसने कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर दी इंडक्टिव मेथड ने, एक तरफ ये कह रहा है कि इट विल बी ग्रीन, एक तरफ कह रहा है इट विल बी ब्लू। तो इस तरह के कॉन्ट्रडिक्टरी और फ्लॉड कंक्लूजन इंडक्टिव मेथड जनरेट करता है,
जबकि डिडक्टिव मेथड ये जनरेट नहीं करता। तो इस वजह से ये भी डिडक्टिव मेथड की एक स्ट्रेंथ है और इंडक्टिव मेथड की एक वीकनेस है। ठीक है, नंबर फोर स्ट्रेंथ क्या है डिडक्टिव मेथड की? इंडक्टिव मेथड रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन एंड कैन बी सब्जेक्टिव रादर देन ऑब्जेक्टिव। हमने जैसे वो एग्जांपल देखी थी इंडक्टिव मेथड की, कि हमने पास्ट में देखा कि कुछ लोगों को हमने देखा कि उन लोगों ने मेहनत की CSS में और वो CSS पास कर गया। ठीक है, अब ये हमने ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, अभी कोई भी बंदा एक ये ऑब्जर्वेशन करेगा, अब ये ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, हो सकता है उसके मुताबिक उन लोगों ने मेहनत की हो, उसका स्टैंडर्ड मेहनत का लो हो और उसने उनको देखा और समझो कि ये तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी और बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बंदा जो कि बहुत ज्यादा मेहनती है, वो अगर उन सेम लोगों को देखे CSS में मेहनत करता हुआ और वो कहना यार ये कोई मेहनत है, दिन में 4 घंटे 6 घंटे पढ़ना, ये तो कोई मेहनत नहीं है, तो ये तो मेहनत ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह इंडक्टिव मेथड रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन एंड कैन बी सब्जेक्टिव रादर देन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से हम जनरल लॉज की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे हमने पर्टिकुलरली ऑब्जर्व किया कि हमने कुछ लोगों को देखा वो मेहनत करते हैं तो CSS क्लियर कर जाते हैं, इस वजह से ऑल पीपल, सब लोग जो मेहनत करेंगे दे आर लाइकली टू क्लियर CSS, ऑल पीपल, देखिए हम एक जनरल बात की तरफ लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो हमने पहले पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की दे आर सब्जेक्टिव, इस वजह से दे आर नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बात ऑब्वियसली ज्यादा उसके चांसेस हैं ट्रू होने के, तो इस वजह से ये इंडक्टिव मेथड की एक वीकनेस है और डिडक्टिव मेथड की ये एक स्ट्रेंथ है। ठीक है, उसके बाद इंडक्टिव मेथड इज लिमिटेड इन स्कोप, ऑफन रिक्वायर्स इंडक्टिव लीप। ठीक है, इंडक्टिव मेथड स्कोप में भी लिमिटेड है और ये अक्सर एक लीप रिक्वायर करता है या एक जंप रिक्वायर करता है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी ओनली वन पर्सन हु वर्क्स हार्ड एंड इज एबल टू क्लियर CSS, then it is an inductive leap to say that all persons who work hard are likely to clear CSS. For example, अगर हमने जैसे अपना conclusion reach किया था कि हमने कुछ लोगों को देखा वो CSS में मेहनत करते हैं और वो CSS clear कर गया, लिहाजा future में भी all people who work hard are likely to clear CSS. ठीक है, अब चले हमने original example में देखा था कुछ लोगों के ऊपर हमारी observation based थी, अगर वो एक बंदे के ऊपर ही based होती कि हमने सिर्फ एक बंदे को देखा कि उसने CSS में मेहनत की और वो CSS क्लियर कर गया, लिहाजा तमाम लोग जो मेहनत करेंगे दे आर लाइकली टू क्लियर CSS। तो ये देखिए, हमने सिर्फ एक बंदे की एग्जांपल के ऊपर एक बात को जनरलाइज कर दिया, एक जनरल लॉ हमने बना दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंडक्टिव लीप, जब आप लिमिटेड ऑब्जर्वेशन से बहुत आप एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करें। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड में ऐसा भी अक्सर होता है कि इंडक्टिव लीप होती है, ये इसका एक फ्लॉ है, डिडक्टिव मेथड में ऐसा नहीं होता, इस वजह से ये उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, अच्छा अब हमने ये स्ट्रेंथ देख ली डिडक्टिव मेथड की, अब हम वीकनेसेस के ऊपर आते हैं। डिडक्टिव मेथड की वीकनेसेस क्या है? और ऑब्वियसली ये जो इसकी वीकनेसेस है वो इंडक्टिव मेथड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग रिलाइज heavily upon the initial premises being correct. Deductive reasoning में ये एक मसला है कि जो हमने initial premises देखी थी, ये देखिए जैसे example में all men are mortal, Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. अब जो पहली दो बातें all men are mortal and Socrates is a man, अगर ये गलत हो जाए फिर आपका जो conclusion है वो फिर उसका कोई जवाब नहीं रहता। For example, पहला इसमें बात यह है कि ऑल मैन आर मोर्टल, अगर ये बात सच ना होती, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि अगर सब इंसान मोर्टल ना होते उनमें से कुछ इमोर्टल होते, लेकिन यहाँ पे वो बात लिखी होती कि ऑल मैन आर मोर्टल, तो फिर ये तीसरी बात का कोई जवाब नहीं रहता कि सोक्रेटिस इज मोर्टल, क्योंकि असल में ऐसा नहीं है कि ऑल मैन आर मोर्टल। ठीक है, तो पहली दो बातों का, पहली दो प्रेमिसेस का करेक्ट होना बहुत ज्यादा
ये डिडक्टिव रीजनिंग इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. अगर पहली दो बातों में से एक भी बात गलत हो, झूठ लिखी हुई हो, तब बिल्कुल ये डिडक्टिव मेथड फॉल अपार्ट कर जाता है. ठीक है, तो ये इसका एक फ्लॉ है. इफ वन और मोर प्रेमिसेस आर इनकरेक्ट, जैसे हमने देखा ऑल मैन आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, इनमें से अगर कोई भी प्रेमिसेस गलत हो, ठीक है, और वो झूठ वहां पे गलत लिखी हुई हो, द आर्गुमेंट मे बी वैलिड बट नेसेसरीली अनसाउंड. तो वैलिड तो उसको कह सकते हैं लेकिन वो बात होगी गलत. जो तीसरा था कि ऑल मैन आर मोर्टल, वो अनसाउंड होगी, वो एक गलत बात होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑल पीपल कॉल्ड जॉर्ज आर मेल, तमाम लोग जिनका नाम जॉर्ज है दे आर मेल. ठीक है, जॉर्ज बॉल्टन नेक्स्ट डोर इज देयर फॉर मेल. अब देखिए इस पे डिडक्टिव मेथड यूज हो रहा है कि हम जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ आए कि ऑल पीपल कॉल्ड जॉर्ज आर मेल, ये एक जनरल बात है, ऑल पीपल जनरल. जॉर्ज बॉल्टन नेक्स्ट डोर इज देयर फॉर मेल, ये एक स्पेसिफिक बात है, हमने स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस ड्रॉ किया कि लिहाजा जॉर्ज बॉल्टन जो मेरे नेक्स्ट डोर मेरा नेबर है, ही इज ऑल्सो मेल. अब इसमें एक और बात आप ऑब्जर्व करें, इट इज सर्टेन, इसमें प्रोबेबल लाइकली इस तरह की कोई बात नहीं है, सर्टेनिटी की बात है. ठीक है, तो ये चीजें मैं बता रही है कि यहाँ पे डिडक्टिव मेथड यूज हुआ है. अब हम इस पे देखेंगे कि कैसे अगर पहली बात गलत हो तो कैसे फिर डिडक्टिव रीजनिंग का कोई जवाब नहीं रहता. Although this is a deductive argument, we can run into a rare case where a person named George may be female. ठीक है, अब हम ऐसे भी केस के ऊपर रीच कर सकते हैं कि जो हमारा नेबर है, हो सकता है उसका नाम जॉर्ज हो बट शी इज अ फीमेल. ठीक है, देयरफॉर एट दैट पॉइंट वी वुड हैव टू रिवर्ट टू इंडक्टिव रीजनिंग, बिकॉज यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग वुड मेक आवर प्रेमिस फॉल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली आवर कंक्लूजन फॉल्स एंड अनसाउंड. ठीक है, तो देखिए अब ये बात तो गलत हो गई. एग्जाम्पल में जो सेकेंड पॉइंट है कि जॉर्ज बॉल्टन नेक्स्ट डोर इज देयरफॉर मेल, क्योंकि वो तो फीमेल हो सकता है, ही कैन बी फीमेल. क्यों ये बात गलत हुई? क्योंकि ये प्रेमिस गलत थी कि ऑल पीपल कॉल्ड जॉर्ज आर मेल, ये ऐसा तो नहीं है. अगर इसको ये कहते कि सम पीपल, आई हैव सीन सम पीपल हुज नेम इज जॉर्ज, दे आर मेल, तो अब जैसे ये सम की या फ्यू की बात होती है पहले प्रेमिसेस में, तब होता है इंडक्टिव मेथड. ठीक है, अगर ये इस तरह की बात होती कि सम पीपल कॉल्ड जॉर्ज आर मेल, therefore George Bolton who is my next door neighbor, he is likely to be male as well. ठीक है, फिर ये बात सही होती. इंडक्टिव मेथड इस तरह की बात करता है. ठीक है, लेकिन डिडक्टिव मेथड जिस तरह ये बात कर रहा है, तो उस तरह से फिर सेकेंड जो स्टेटमेंट है कि जॉर्ज बोल्टन नेक्स्ट डोर इज देयरफॉर मेल, इसका फिर कोई जवाब नहीं रहता. ठीक है, दूसरी बात यह है इसकी वीकनेस के प्रैक्टिकली एप्लीकेबल टू रेयर केसेस इन रियल लाइफ. ये असल में रियल लाइफ में ये बहुत कम ही एप्लीकेबल होता है डिडक्टिव मेथड. वो कैसे? फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस इन लाइफ वी मेयरली वांट द एविडेंस टू शो दैट द कंक्लूजन वी हैव अराइव्ड एट इज वेल फाउंडेड, दैट इट इज मोर प्रोबेबल देन सम अदर कंक्लूजंस वी माइट हैव रीच्ड. रियल लाइफ में ये बहुत कम ही यूज होता है डिडक्टिव मेथड. ठीक है, असल में हमें बस इतना इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि एविडेंस हमें ये बता दे कि हम जिस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं उसका कोई ना कोई, उसके पीछे कुछ एविडेंस है, कोई रीजन है. जैसे हमने इंडक्टिव मेथड की एग्जांपल देखी कि हम अगर इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे हैं कि ऑल पीपल हु वर्क हार्ड आर लाइकली टू क्लियर सीएसएस, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस तो था ना. वो एविडेंस क्या था? कि वी हैव सीन पीपल हु वर्क हार्ड, दे आर एबल टू क्लियर सीएसएस, ये उसके पीछे एक एविडेंस था. ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि मैंने देखा है कि आई हैव सीन सम कैट्स चेजिंग माउस, सो देयरफॉर आई कैन कंक्लूड दैट ऑल कैट्स आर लाइकली, इट इज लाइकली दैट ऑल कैट्स चेज माउस. ठीक है,
तो इस तरह की देखें आप, इंडक्टिव रीजनिंग को आप रियल लाइफ में हर जगह यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि लास्ट टाइम व्हेन आई इनवाइटेड माय फ्रेंड ही डिड नॉट शो अप इन माय एट माय पार्टी, देयरफॉर इफ आई इनवाइट हिम अगेन ही इज अनलाइकली टू शो एट माय पार्टी. तो ये आपने फिर इंडक्टिव मेथड यूज कर लिया. लेकिन जो डिडक्टिव मेथड है वो इस तरह आपका बहुत कम अप्लाई होता है रियल लाइफ में. सो इस वजह से ये डिडक्टिव मेथड की एक वीकनेस है और इंडक्टिव मेथड की एक स्ट्रेंथ है. फॉर इंस्टेंस इफ वी आर अ जज इन अ मर्डर ट्रायल वी मे विश टू नो वेदर अ कंक्लूजन वी हैव अराइव्ड एट इज रिलायबली इन्फर्ड फ्रॉम वट एवर एविडेंस वी हैव ऑन हैंड. ठीक है, अब आप एक फॉर एग्जाम्पल आप जज हैं एक मर्डर ट्रायल में और आप डिसाइड कर रहे हैं कि इज दिस पर्सन गिल्टी ऑफ मर्डर और नॉट. ठीक है, अब आपने अगर एविडेंस देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि दैट पर्सन उसने प्रीवियस भी क्राइम में इन्वॉल्व रहा है, थेफ्ट्स में, बर्गलरीज में, डकैतियों में वो बंदा इन्वॉल्व रहा है. ठीक है, तो इस तरह का आप एविडेंस आपको पॉइंट करता है कि इट इज लाइकली ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर. ठीक है, तो आप ये कंक्लूड करेंगे कि यस इट इज लाइकली ही इज गिल्टी ऑफ मर्डर. तो ये आपका इंडक्टिव मेथड यूज हुआ. डिडक्टिव मेथड अगेन यहाँ पे यूज नहीं हुआ. तो इस तरह इंडक्टिव मेथड आपका रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, डिडक्टिव मेथड नहीं होता. Therefore, unlike inductive reasoning, which is applicable to a large number of situations in real life, deductive reasoning is rarely applicable. Deductive reasoning बहुत कम apply होती है. Inductive reasoning बहुत ज्यादा apply होती है. Gives us limited amount of new information because it is applicable in rare cases. क्योंकि ये rare cases में applicable है, therefore ये अगर use करते तभी ये हमें knowledge देता. जब ये हम use ही नहीं करते ज्यादा, ठीक है, डिडक्टिव मेथड, तो ये न्यू नॉलेज भी हमें कैसे देगा. तो ये इसकी एक वीकनेस है और इंडक्टिव मेथड की स्ट्रेंथ है. उसके बाद इसकी तीसरी वीकनेस क्या है. सर्टेन फिलोसफर्स हैव इवन आर्ग्यूड दैट डिडक्टिव रीजनिंग इटसेल्फ इज एन अनअटेनेबल आइडियल एंड दैट ऑल साइंटिफिक डिडक्शन इज इनएविटेबली इंडक्शन. कुछ साइंटिस्ट तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि असल में जब भी हम इन्फ्रेंस करते हैं, कोई भी कंक्लूजन रीच करते हैं, इट इज इंडक्शन. ठीक है, और डिडक्टिव रीजनिंग इट इज जस्ट एन अनअटेनेबल आइडियल. ठीक है, तो ये बात भी इंडक्टिव रीजनिंग की स्ट्रेंथ है और डिडक्टिव रीजनिंग की वीकनेस है. मैनी ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइंसेज वर्क अराउंड दिस बाय असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज टू इवेंट्स एंड आउटकम्स. ज्यादातर अप्लाइड साइंसेस में इसी तरह की होता है, प्रोबेबिलिटीज ही असाइन की जाती हैं कि इट इज लाइकली टू बी ट्रू, इट इज प्रोबेबली ट्रू. ठीक है, देयर आर हाई चांसेस इट इज ट्रू. ये यूज नहीं होता कि वी आर 100% श्योर इट इज ट्रू, इट इज सर्टेन दैट इट इज ट्रू. ठीक है, तो इस वजह से कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो डिडक्टिव रीजनिंग है इट इज एन अनअटेनेबल आइडियल, और असल में हम हर जगह इंडक्टिव रीजनिंग ही यूज कर रहे होते हैं. Whilst not a strict application of the scientific method, it is useful where incorrect deductions could be devastating. ठीक है, और जिन जगहों पे आप डिडक्टिव मेथड यूज करें और वो डेविस्टेटिंग हो सकता है आपके लिए, बजाय इसके अगर आप उसकी जगह इंडक्टिव मेथड यूज कर लें तो आप बहुत से नुकसान से बच सकते हैं. वो कैसे वो हम देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल माइकल फिश द रिस्पेक्टेड ब्रिटिश मटीरियोलॉजिस्ट कैटेगोरिकली स्टेटेड इन 1987 दैट देयर वाज नो चांस ऑफ अ हरिकेन हिटिंग सदर्न इंग्लैंड. ये देखें, नो चांस, 100% सर्टिनिटी की बात कर दी ना उसने, कि ये हो ही नहीं सकता कि हरिकेन हिट करे. मतलब ही वाज 100% सर्टेन दैट नो हरिकेन विल हिट सदर्न इंग्लैंड. तो उसने डिडक्टिव मेथड यूज किया. क्यों? क्योंकि वो सर्टेनिटी की बात कर रहा है, वो प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा. ठीक है, अब इसका डिडक्टिव मेथड को यूज करने का नतीजा क्या निकला. ही वॉज रॉन्ग एंड द अनप्रिपेयर्ड कंट्री वॉज डेवस्टेटेड. वो क्योंकि गलत साबित हुआ तो उसने कहा कि कोई चांस नहीं, 100% श्योर कि कोई तूफान नहीं आने लगा, तो लोगों ने प्रिपेयर ही नहीं किया. जब उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया तो जब वो तूफान आया बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. इसके बरक्स अगर वो इंडक्टिव मेथड यूज करता और कहता कि इट इज लाइकली कि स्टॉर्म नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन देर इज 30% चांस कि स्टॉर्म आ भी सकता है,
अगर वो इस तरह की बात करता तो लोग प्रिपेयर कर सकते थे कि यार 30% चांस तो है, तो प्रिपेयर हम कर लें कि आ गया तो फिर क्या होगा, तो दे वुड हैव मेड एडिक्वेट अरेंजमेंट्स, ठीक है, और वो जो इतना ज्यादा डेवेस्टेशन हुई उससे वो बच सकते थे अगर वो इंडक्टिव मेथड यूज करते, डिडक्टिव मेथड यूज ना करते. तो इस तरह की जो बातें हैं डिडक्टिव मेथड की, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. द इनिशियल प्रेमिसेस ऑफ हिज डिडक्टिव रीजनिंग वर रॉन्ग, ठीक है, उसकी प्रेमिसेस ही गलत थी. दीस डेज फोरकास्टर्स ऑलवेज वार्न ऑफ एडवर्स वेदर एज अ परसेंटेज चांस, अफोर्डिंग पीपल द चॉइस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट. अब आपने देखा होगा आपके पास वेदर एप्स हैं फोन में या ऑनलाइन, ठीक है, वो आपको हमेशा बताते हैं 70% चांस ऑफ रेन, 20% चांस ऑफ रेन, ठीक है, सर्टेनिटी की बात नहीं करते, दे आर यूजिंग इंडक्टिव मैथड. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आउटडोर जा रहे हैं और आपको पता है कि यार 50% चांस ऑफ रेन है, तो इट वुड बी वाइज फॉर यू टू कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, ठीक है. सिमिलरली अगर आप एक वेडिंग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी वेदर ऐप आपको शो कर रही है 60% चांस ऑफ रेन या इवन 50% चांस ऑफ रेन, तो आप आउटडोर वेडिंग फंक्शन के लिए आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर बारिश हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, इंडोर भी आपने बैकअप ऑप्शन शायद रखा हो, ठीक है. तो इस तरह इंडक्टिव मेथड आपको बहुत डेवेस्टेशन से बचा सकता है. अगर आप डिडक्टिव मेथड यूज करते हो और आप कहते हैं कि नहीं यार हो ही नहीं सकती बारिश, आउटडोर फंक्शन करो, इट इज सर्टेन दैट देयर विल बी नो रेन, और आप आउटडोर फंक्शन करें वेडिंग का और बारिश हो जाए, फिर सोचें क्या बनेगा, फंक्शन तो तबाह हो गया, ठीक है. तो ये इस वजह से डिडक्टिव मेथड की ये वीकनेस है और इंडक्टिव मेथड की स्ट्रेंथ है. चौथी वीकनेस क्या है डिडक्टिव मेथड की, द स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग लाइज इन एस्टेब्लिशिंग प्रोबेबिलिटी. इंडक्टिव रीजनिंग की जो स्ट्रेंथ है वो है कि इट एस्टेब्लिशेस प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड, ठीक है, चांसेस ऑफ सक्सेस, चांसेस ऑफ बीइंग ट्रू. यू माइट ऑब्जर्व दैट व्हेन इट इज वेरी क्लाउडी देयर इज रेन. हम आमतौर पर ऑब्जर्व करते हैं कि जब ज्यादा बादल होते हैं तो बारिश हो जाती है. प्योर डिडक्टिव रीजनिंग वुड से दैट मींस इट विल रेन ऑन ऑल क्लाउडी डेज. अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग यूज करेंगे तो वो क्या है कि हर क्लाउडी डे के ऊपर बारिश होगी होगी, 100% सर्टेन, प्योरली श्योर दैट देयर विल बी रेन ऑन अ क्लाउडी डे. यू विल ऑब्जर्व डेज व्हेन दिस इज नॉट ट्रू. ऑब्वियसली हम अक्सर डेज ऐसे देखते हैं जब बादल ज्यादा भी हो, बेशक कभी कभी ऐसा होता है फिर भी बारिश नहीं होती, ठीक है, बट थ्रू इंडक्टिव रीजनिंग यू एस्टैब्लिश द प्रोबेबिलिटी दैट इट कुड रेन ऑन अ क्लाउडी डे एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ठीक है. इंडक्टिव रीजनिंग आपको ये कहेगा कि इट कुड रेन ऑन अ क्लाउडी डे, ठीक है, हो सकता है बारिश हो, जरूरी नहीं बारिश हो, तो आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं कि सम चांस देयर विल बी रेन, सम चांस देयर विल नॉट बी रेन, यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं. तो ये इंडक्टिव मेथड की स्ट्रेंथ है और डिडक्टिव मेथड की वीकनेस है. उसके बाद पांचवी वीकनेस क्या है डिडक्टिव मेथड की, अनदर स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव मेथड इज दैट इंडक्टिव रीजनिंग अलाउज यू टू बी रॉन्ग एंड एक्सप्लोर फर्दर. इंडक्टिव रीजनिंग आपको अलाउ करती है टू बी रॉन्ग एंड एक्सप्लोर फर्दर, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की बात करती है, लाइकलीहुड की बात करती है. जो डिडक्टिव मेथड है वो तो कहता है 100% सर्टेन, इसका कोई और, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है, तो आपको फर्दर एक्सप्लोर करने का क्या फायदा. इंडक्टिव रीजनिंग आपको मार्जिन देती है टू एक्सप्लोर फर्दर, इट गिव्स यू द मार्जिन दैट यू कैन बी रॉन्ग, ठीक है. इट इज ओनली थ्रू मोर ऑब्जर्वेशन दैट यू डिटरमिन वेदर योर प्रेमिसेस स्लैश कंक्लूजंस आर ट्रू. आप फर्दर अपने ऑब्जर्वेशन के साथ आप डिटरमिन कर सकते हैं वेदर योर प्रेमिसेस और कंक्लूजंस आर ट्रू और नॉट. फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल देखी कि हमने कुछ लोगों को देखा कि वो लोग मेहनत करते थे और वो सीएसएस क्लियर कर गया, लिहाजा हम इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि तमाम लोग जो मेहनत करेंगे दे आर लाइकली टू क्लियर सीएसएस. अब आपने लाइकली की बात की, अब आपने कुछ लोगों को देखा कि वो जितना भी मेहनत करें, आपने बहुत लोगों को देखा कि वो भी मेहनत करते हैं वो फिर क्लियर नहीं हुआ, आपने और भी लोग देखे क्या कि उन लोगों ने भी मेहनत की उनका भी सीएसएस क्लियर नहीं हुआ, तो आपने कहा ये तो हमारी प्रिडिक्शन गलत हो गई. हमारा तो कंक्लूजन ये था कि तमाम लोग जो मेहनत करेंगे दे आर लाइकली टू क्लियर सीएसएस.
अब आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, मेहनत का इसका मतलब मेहनत डिसाइसिव फैक्टर नहीं है सीएसएस की तैयारी के में, तो आप इस कंक्लूजन को कहेंगे कि ऑल पीपल वर्क हार्ड दे आर वेरी लेस लाइकली टू क्लियर सीएसएस या दे हैव अ 30% चांस ऑफ क्लियरिंग सीएसएस, ठीक है? तो आपने अपना कंक्लूजन रिवाइज कर लिया. ये इंडक्टिव मेथड आपको गुंजाइश देता है टू बी रॉन्ग, टू रिवाइज योर कंक्लूजंस, ठीक है? डिडक्टिव मेथड तो वो होता तो वो कहता कि इट इज 100% सर्टेन कि जो भी मेहनत करेगा उसने करना ही करना क्लियर सीएसएस, ठीक है? सो ये भी इंडक्टिव मेथड की एक स्ट्रेंथ है दैट इट अलाउज यू टू बी रॉन्ग, इट गिव्स यू दैट मार्जिन. Detectives use this method of reasoning when investigating a crime. एक crime को investigate करते हुए detectives ये method use करते हैं. They see patterns or make observations that lead them to certain conclusions. वो observations करते हैं, ठीक है? और जिसकी वजह से वो conclusions के ऊपर पहुँचते हैं inductive method use करते हुए. That sets their path in motion and they will either prove their conclusion right or wrong with further investigation. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो डिटेक्टिव्स एक फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि जो मर्डर हुआ है ये किसने कमिट किया, 5-6 आपके सस्पेक्ट्स हैं. अब कुछ एविडेंस पॉइंट कर सकता है एक बंदे की तरफ कि ही इज लाइकली टू बी द कल्प्रिट, द गिल्टी पर्सन हु कमिटेड मर्डर. फॉर एग्जाम्पल 6 में से 5 लोगों का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि वो पहले भी बार बार वो क्राइम्स कमिट कर चुका है, ठीक है? और वो हैबिचुअल ड्रग अब्यूजर भी है, ठीक है? और पास में उसने डकैतियां भी की हैं, ठीक है? तो आपको ये पॉइंट कर रहा है, इंडक्टिव मेथड इज पॉइंटिंग यू टुवर्ड्स दैट पर्सन दैट ही इज मोर लाइकली टू बी द वन हु हैज कमिटेड मर्डर. लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको गुंजाइश भी दे रहा है कि हो सकता है इट इज ओनली लाइकली, इट इज नॉट सर्टेन दैट ही इज द गिल्टी पर्सन. हो सकता है बाकी जो 5 सस्पेक्ट्स हैं उनमें से किसी ने किया हो, तो ये आपको मार्जिन देता है. अगर इसकी जगह डिडक्टिव मेथड होता वो कहता कि नहीं, दिस पर्सन वी आर 100% श्योर दिस इज अ गिल्टी पर्सन, ही कमिटेड मर्डर, देयरफॉर बाकी जो 5 लोग हैं सस्पेक्ट्स उनके ऊपर टाइम वेस्ट करना ही फजूल है, ठीक है? तो ये एक इंडक्टिव मेथड की स्ट्रेंथ है कि आपको मार्जिन देता है कि आप ओपन माइंड रख सकें, आप बाकी भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है? The value is that this form of reasoning has at least given them some direction. ये कुछ direction आपको दे देती है, जैसे detectives को इसने कुछ direction दे दी कि क्योंकि उस बंदे का criminal record है, so he is more likely to be the person who committed murder in this case. कुछ direction आपको दे देती है. Probable conclusions mean that there could be other conclusions. वही बात कि जो probable conclusions हैं या जो likely conclusions हैं, ठीक है? वो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली कि दे कैन बी रॉन्ग एंड देर कैन बी अदर कंक्लूजन्स, जिनको हम अभी तो इम्प्रोबेबल कंसिडर कर रहे हैं लेकिन बाद में पता चले कि दे आर द राइट कंक्लूजन्स, ठीक है? तो ये भी इंडक्टिव मेथड की एक स्ट्रेंथ है और डिडक्टिव मेथड की ये वीकनेस है, ठीक है? तो आप इसी तरह क्वेश्चन में लिखेंगे इनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, और इसके बाद आप एक और हेडिंग दे देंगे. देखिए हमने ये हेडिंग दी थी नंबर 3 में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आप नंबर 4 में रोमन लेटर्स में लिखेंगे कंक्लूजन विद ब्लू मार्कर, और उसके नीचे आप ये बात कर देंगे कि फॉर एग्जांपल मेरा ओपिनियन पर्सनली है, आप भी कॉपी कर सकते हैं कि इंडक्टिव मेथड इज मोर यूजफुल देन डिडक्टिव मेथड बिकॉज इट इज एप्लीकेबल इन लार्ज अमाउंट ऑफ सिचुएशंस एंड इट हैज मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स as compared to the deductive method. तो आप conclusion में इस तरह का अपना एक opinion दे सकते हैं या सारे answer की एक summary आप पेश कर सकते हैं, ठीक है? तो वो आपने लाजमी लिखना है, उससे आपको इंशाल्लाह बहुत high marks मिलेंगे, ठीक है? तो ये हमारा दूसरा topic भी आज का ये cover हो गया. अब इसके ऊपर आपको कोई questions है तो kindly आप hand raise करें और मैं आपको unmute करता जाऊंगा and we will discuss. अच्छा जी, एक तले मुझे हैंड रेज नजर आ रहा है, और भी लोगों के क्वेश्चंस हैं तो काइंडली हैंड रेज करते जाएं.
ऐसे एक तो आपने वो जॉर्ज की कोई एग्जांपल दी थी, जॉर्ज मेल वाली, वो काइंडली जरा दोबारा बताइएगा। ठीक है जी, उसमें ये था कि वो एग्जाम्पल थी कि ऑल पर्सन्स नेम्ड जॉर्ज आर मेल, ठीक है, देयर फोर जॉर्ज बॉल्टन नेक्स्ट डोर इज मेल, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें डिडक्टिव मेथड यूज हुआ होगा कि ये कहता है कि क्योंकि सब लोग जिनका नाम जॉर्ज है वो मेल होते हैं, इस वजह से जो मेरा नेबर है ही हैज टू बी मेल, जिसका नाम जॉर्ज है ही हैज टू बी मेल, ठीक है। लेकिन इसमें जो पहली बात थी, जो प्रेमिस थी, दैट वाज रॉन्ग, कि ऐसा तो नहीं होता कि ऑल पर्सन्स नेम जॉर्ज आर मेल, कुछ लोग जिनका नाम जॉर्ज है वो फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बात थी कि देयर फोर जॉर्ज बोल्टन नेक्स्ट डोर इज मेल, ये बात गलत थी, ठीक है। इसकी जगह इंडक्टिव मेथड हम यूज करना चाहिए था हमें, ठीक है। जैसा कि अगर इसमें हम कहते कि मोस्ट पीपल आई हैव इनकाउंटर्ड हु आर नेम्ड जॉर्ज दे आर मेल, देयरफॉर इट इज लाइकली दैट जॉर्ज बोल्टन नेक्स्ट डोर इज लाइकली टू बी मेल, ठीक है। अगर हम इस तरह की बात करते फिर ये सही होता। जी हैंड रेज, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कैसे करना है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। चैट में आई थिंक जाके अगर एडमिन इसके ऊपर गाइड कर सके तो दैट विल बी अप्रिशिएटेड। अच्छा, मैं आपको ना सबको अनम्यूट कर देता हूँ ताकि आप सब क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है। अभी हम एक और हैंड रेज आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन एड्रेस कर लें। सर देखिए, अभी आपने जो बात, अभी एग्जांपल जो बोली थी आपने, देखिए वो बात ठीक है, आपकी जॉर्ज मेल है, ठीक है, ये जनरल प्रेमिसेस हमने लिया था, लेकिन इसको हम लोग कैसे जज करेंगे कि जो अगली बात आई थी कि जो जॉर्ज बॉल्टन है वो भी एक मेल है। आपकी बात ठीक है कि जॉर्ज, हमें नहीं क्लेरिफाई कि जॉर्ज आया मेल है कि फीमेल है, लेकिन अगर सही हम है, ठीक यूनिवर्सल यूनिवर्सल लेंगे, जैसे हमने कहा था ऑल मैन आर मॉर्टल वाली एग्जाम्पल ली थी, जनरल प्रेमिसेस तो ठीक था ना, हमने जनरल प्रेमिसेस से जब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं तो उसका क्या पैरामीटर है देखने का? इसमें देखिए पॉइंट ये डिस्कस हो रहा था कि डिडक्टिव मेथड बहुत ज्यादा रिलाई करता है जनरल प्रेमिस के ट्रू होने पे, ठीक है, कि वो ट्रू हो, ठीक है, कि जैसा कि ऑल मेन आर मोर्टल, ये अगर ट्रू हो फिर उसका कंक्लूजन सही होगा। लेकिन अगर वो बात गलत हो कि ऑल मैन आर मोर्टल, ठीक है, या जिसमें हमने इस एग्जाम्पल में देखा था कि ऑल पर्संस नेम्ड जॉर्ज आर मेल, अगर ये बात गलत हो तो फिर जो हम कंक्लूजन रीच करते हैं वो फिर उसका कोई जवाब नहीं रहता। तो इसमें जो देखें पहली बात थी कि ऑल पर्सन नेम्ड जॉर्ज आर मेल, ये बात गलत थी ना, ठीक है, तो इस वजह से इसका कंक्लूजन जो था वो बिल्कुल फ्लॉड था। जी सलाम वालेकुम सर। अच्छा वालेकुम जी, सलाम। ये है कि ये जो सेशन है, अभी किसी ने अगर अभी ज्वाइन करना है 30 साल के एग्जाम्स के लिए, पहला क्वेश्चन, तो ये इज इट सेफ इनफ, ये राउंड अप हो जाएगा सेशन बिफोर देन मई से। और दूसरा क्वेश्चन ये है बिल्कुल, कि मैं आपका पहला एड्रेस कर देता हूँ वरना मुझे भूल जाएगा, तो जी, ये बिल्कुल 2 वीक्स में ये हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, 2 वीक्स का कोर्स है ये। राइट। और उसके अलावा कई डू यू रिकमेंड कि बस ये नोट से हो जाएगा, कोई बुक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? एंड देन थर्डली, अगर इसका ये बैकग्राउंड मैं नहीं है, जैसे आपको आपका बता आपका बैकग्राउंड, देता जी, आपके आपके हूँ, बैकग्राउंड मैं है। सारी नोट्स, मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ वरना वो फिर भूल जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये है कि बिल्कुल जो कंसाइज नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे उससे आपका बड़े आराम से कवर हो जाएगा और आपको उसके अलावा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कुछ। जी, थर्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको बैकग्राउंड है इसमें साइकोलॉजी में, सॉरी इसमें फिलोसफी में, तो अगर किसी पर्सन का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है फिर भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, इज इट सेफ टू गो विद दिस, या लेकिन ये है कि ही शुड गो विद वन विच? मेरा बैकग्राउंड नहीं है फिलोसफी में,
राइट, तो आप रेकमेंड करेंगे कि किसी का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, किसी ने कभी बिल्कुल नहीं पढ़ी फिलोसफी, बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी दे ले कोई इशू नहीं। हाईली रिकमेंडेड। पिछले मेरे बैच में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो पहली दफा ही पढ़ रहे थे, और एट द एंड ऑफ द 2 वीक कोर्स वो कह रहे थे कि पहले हम सोचते थे कि ये हम ले ना ले, वी वर अ बिट स्केयर्ड, ते वो कह रहे थे कि 2 वीक्स के बाद दे वर वेरी हैप्पी, और वो कह रहे थे आराम से कवर भी हो गया और सारा समझ भी आ गया। तो इंशाल्लाह बिल्कुल, राइट, तो 2 वीक्स में इंशाल्लाह ये हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन पूछना था। जी, सर अभी आपने ना कंक्लूजन की बात की थी एट द एंड, तो हमने इंडक्टिव मेथड में कहा था हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं और डिडक्टिव में हम सर्टेनिटी लेते हैं, तो बेहतर ये है कि फिर हम लोग इंडक्टिव मेथड की तरफ जाया जाए जहां हमारे पास प्रोबेबिलिटी के चांसेस हो। बिल्कुल बिल्कुल, नो ओके, थैंक यू। प्रॉब्लम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन आपको, कोई बात लेक्चर्स में दो हमने जो टॉपिक्स किए हैं समझ ना आई हो तो यू कैन फ्रीली आस्क। इसके मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, सोक्रेटिक मेथड के PDF में, और आप उनको पढ़िएगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप व्हाट्सएप में मुझे प्राइवेट मैसेज कर दीजिएगा एंड आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। लास्ट बैच में भी हमने इसी तरह किया था, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद जो है रोजाना हमारा क्लास का इस तरह होता है स्केड्यूल कि सुबह के टाइम में आपके साथ नोट्स शेयर कर देता हूँ जो टॉपिक हम शाम को पढ़ेंगे, ठीक है। और वो टॉपिक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो पढ़ के आए क्लास में, ताकि आपको जो चीजें समझ नहीं आई, ताकि आपको पहली बात लेक्चर भी अच्छा समझ आए, और जो चीजें आपको समझ नहीं आई नोट्स से या लेक्चर से वो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में उसका क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो पहले से नोट्स पढ़ के आने का ये फायदा होता है, और मैं रोज पहले वो शेयर कर देता हूँ जो हम टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। जी, करेक्ट क्वेश्चन। जी, ये आपने माइक अनम्यूट किया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपने पूछना है। गैलेक्सी समथिंग नेम आ रहा है। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप चैट में भी पूछ सकते हैं। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने पूछना था कि पीएमएस के हवाले से सर कितना हेल्पफुल है ये फिलोसफी स्कोरिंग, थोड़ा सा गाइड कर दें सर। यार, पीएमएस में ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और पीएमएस का स्पेशली जो पेपर 1 है ना, उसमें तो वो तो आपका फुल फुली कवर हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई नहीं। लेकिन जो पीएमएस पेपर 2 के टॉपिक्स है ना, वो कुछ स्किप होंगे, ठीक है, तो वो आपको खुद से फिर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सीएसएस के लिए ये 100% फुली है। पीएमएस के भी अच्छे खासे टॉपिक्स कवर करेगा, लेकिन पेपर 2 के कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ से स्किप होंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको कहूँगा आपका पीएमएस भी फुली कवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया कि यानी बुक्स और सोर्सेस, तो सबसे अच्छा जो बुक है सोर्स है वो है फिलोसफी मेड सिंपल बाय पॉपकिन, वो एक अच्छी बुक है, इसका रिसोर्स है। उसके अलावा आपके ऑनलाइन इसके ऊपर बहुत अच्छे रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो एक यूट्यूब यूट्यूब चैनल है स्कूल ऑफ लाइफ, वो बहुत अच्छा रिसोर्स है फिलोसफी का। उसके अलावा एक और चैनल है क्रैश कोर्स फिलोसफी, ये एक प्लेलिस्ट है, ये बहुत अच्छा रिसोर्स है। तीसरे नंबर पे एक और चैनल है carnides.org, carnides.org, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है, शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है जिससे कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम टाइम में क्लियर हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा रिसोर्स है। चौथे नंबर पे जो स्टैनफर्ड प्लेटो डॉट स्टैनफर्ड वाली वेबसाइट है वो बहुत अच्छा रिसोर्स है। पांचवें नंबर पे इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी IEP, वो वेबसाइट वो बहुत अच्छी है। एक और बुक है इसके अलावा के
बिगेस्ट आइडियाज इन फिलोसफी सिंपली एक्सप्लेन, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूंगा ग्रुप में, तो वो बहुत अच्छा रिसोर्स है। तो उसके अलावा बीबीसी के रिसोर्सेज हैं, बीबीसी 4 की शॉर्ट वीडियोज हैं 2 मिनट्स की, उसमें भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है बीबीसी 4 फिलोसफी वीडियोज, ठीक है। उसके अलावा बीबीसी इन आवर टाइम, ये एक पॉडकास्ट सीरीज थी और अब ये सारी फ्रीली यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके लिए ये तकरीबन 40 मिनट की पॉडकास्ट अवेलेबल है बीबीसी की, और ये बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड पॉडकास्ट है, और आप ये भी सुनेंगे तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। लेकिन जो लोग कंसाइजली और कम टाइम में कवर करना चाहते हैं, उनके लिए जो हम नोट्स इसमें प्रोवाइड करेंगे कंसाइज नोट्स, वो भी इनफ है कि अगर आप वही भी कर लें तो आप आराम से 80s 90s में भी स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जुनेद लगारी साहब ने पूछा कि आर योर नोट्स इनफ टू गो टू द पेपर, यस दे आर मोर देन इनफ आई वुड से। ठीक है जी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट में पूछें या इसमें आप पूछ लें। थैंक यू सर के मैसेज, इसका मतलब आप लोग और आपका कोई क्वेश्चन नहीं है एंड यू आर सेटिस्फाइड। चले ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, और कल हम जो नेक्स्ट टू टॉपिक्स हैं जिनमें हमारा फिलोसॉफिकल मेथड्स के जो नेक्स्ट टू टॉपिक्स हैं, कल हम वो कवर करेंगे, और कल मैं मॉर्निंग सेशन में आपके साथ उनके नोट्स शेयर करूंगा और आप लोग उनको पढ़ के आइएगा सेशन में, ताकि आप उनके ऊपर क्वेश्चंस कर सकें और आपको लेक्चर भी अच्छा समझ आए जब आपने पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, टेक केयर, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।